ऑनलाइन गैम्बलिंग बनी महामारी। भारत में पैर पसार रही ऑनलाइन सट्टेबाजी। युवाओं की जान पर मंडराया खतरा। इंटरनेट के मायाजाल में पूरी दुनिया उलझकर रह गई है। एक तरह इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर कई मुश्किल हालातों से हमें बचाता है, तो कई बार हमारी जिंदगी के लिए खतरे की वजह भी बन जाता है। आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का आदि हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी तक का लोगों में क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत ने बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। किस देश को ले डूबा ऑनलाइन गैम्बलिंग? आपको बता दें कि ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी जुए का बाजार है। 9.1 बिलियन डॉलर मतलब 73,910 करोड़ रुपए का ये बाजार उदार नीति नियामकों की वजह से ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ ये तक कहने से नहीं हिचकते कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कोरोना से भी खतरनाक महामारी बन गया है। पिछले 4 साल में ऑनलाइन जुए की लत के शिकार हुए लोगों ने कैसीनो गेम्स, खेलों और ऑनलाइन सट्टेबाजी में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। खुद ब्रिटिश सरकार ने माना है कि 1.38 लाख लोग पक्के जुआरी बन गए हैं। साथ ही 11 से 16 साल के 36,000 बच्चे भी इसकी लत लगा चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 400 लोगों ने इससे त्रस्त होकर खुदकुशी कर ली। लोगों की शादियां टूट रही हैं, दिवालियापन बढ़ रहा है, बेघरों की संख्या और अपराध बढ़ने की भी ये बड़ी वजह है। किस वर्ग को ऑनलाइन गेमिंग से सबसे ज्यादा नुकसान? ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत के चलते ब्रिटेन में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंचा है। हाल में हुए एक सर्वे में हर 6 में से 1 बच्चे ने ये माना था कि उन्होंने गेम खेलने के लिए अपने माँ बाप के पैसे चुराए हैं। कई ने तो यहाँ तक स्वीकारा कि वो घर में डांट पड़ने पर बाहर भी चोरी की कोशिश करते थे। क्या भारत बना ऑनलाइन गैम्बलिंग का दूसरा निशाना? आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग गैरकानूनी है। हालांकि क्रिकेट में सट्टेबाजी को मान्यता देने पर मांग उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने क्रिकेट में बढ़ती सट्टेबाजी को लेकर इसे वैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी। हालांकि ब्रिटेन के हालात देखकर भारत में भी एक बड़ा वर्ग इसको कानूनी दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है। भारत के किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल? ऑनलाइन जुआ भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन सिक्किम ने 2010 में 3 ऑनलाइन जुआ लाइसेंस की पेशकश करने की योजना बनाई थी। ये भारत के ऑनलाइन जुए के लिए सबसे अधिक मांग वाला राज्य होने के बावजूद विफल रहा। सिक्किम एक ऑनलाइन लॉटरी की भी अनुमति देता है जो पूरे भारत के खिलाड़ियों से दांव लेती है। ये उम्मीद की गई थी कि अन्य राज्य सिक्किम का अनुसरण करेंगे, जिससे पूरे भारत में एक प्रमुख ऑनलाइन जुआ बाजार उर्फ सट्टा मटका खुल जाएगा। देश में आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की भरमार है, पर इसमें से कुछ तो लीगल हैं और बाकी सब अवैध तरीके से चल रही हैं, जिसके कारण इनको समय समय पर बैन भी किया जाता है। फिलहाल ब्रिटेन की हालत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के नागरिक इस तरह की लत से दूरी ही बनाकर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़।